हेलो दोस्तों, हम बना रहे हैं 50 फैमिली गेम्स की सीरीज। तो इसके अंदर हमने पहले एक गेम बनाया था 12 o'clock, तो उसी वाली शीट पर हम एक और गेम बना रहे हैं कवर दी बॉक्स, जो कि इस तरीके से दिखता है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं इस गेम को परचेज करना तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। और आप चाहते हैं इसको घर पर ही बनाना तो पेन और पेपर की मदद से आप ये ड्राइंग बना सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए गेम्स, टॉयज और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। इस गेम को खेलने के लिए हमको चाहिएंगे 12 गोटियाँ। तो अभी हमारे पास इतनी सारी गोटियाँ अवेलेबल थी रेड कलर की, तो हमने रेड की ले ली, इधर ब्लू की ले ली। यदि आपके पास में नहीं हो तो आप कोई से भी कलर की टोटल 12 गोटी ले लेंगे, क्योंकि इसमें पहले एक प्लेयर चलेगा फिर दूसरा प्लेयर चलेगा। इस गेम के लिए चाहिएंगे 2 डाइस। तो सबसे पहले कोई भी एक प्लेयर इस गेम को स्टार्ट कर सकता है, और उसे गेम को स्टार्ट करके अपनी इन 12 गोटियों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे रखने की कोशिश करनी है। जितना उसका टोटल नंबर आएगा वो उस नंबर को ब्रेक करके भी रख सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि वो कैसे करने वाला है, और जो उसके नंबर रह जाएंगे वो उसके स्कोर में काउंट होंगे। प्लेयर के पास सिर्फ 12 गोटियां हैं, तो इसलिए उसको बड़े से बड़े नंबर पे गोटी रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसी से उसका स्कोर काउंट होगा। पहला टर्न ब्लू प्लेयर का है, तो वो अपनी पूरी की पूरी ये 12 गोटियां अब बोर्ड पे रखेगा। पहले तो उसको टोटल करना है 6। तो अब अगर वो प्लेयर चाहे तो 6 पे एक गोटी रख सकता है, चाहे तो वो 4 और 2 पे दो गोटी रख सकता है, एक एक करके रख सकता है। वो 3 पे रख दे, 2 पे रख दे और 1 पे रख दे, तो 3, 2, 5 और 1, 6। तो मतलब उसका जो टोटल स्कोर है वो उसको टोटल स्कोर को टुकड़ों में करके भी रख सकता है, और चाहे तो एक ही गोटी रख सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें नुकसान उसको ये है कि यदि उसकी इससे 3 गोटियाँ ख़राब हो जाएंगी और इसको स्कोर मिलेगा सिर्फ 6 पॉइंट का ही। तो ये अब जब करना है, जब हमारे पास में 6 पे गोटी खाली नहीं हो तब हम इनको तोड़ेंगे। तो पहले तो हम बड़ी गोटी की रखने की कोशिश करेंगे। तो ब्लू प्लेयर 6 पे एक गोटी चल देता है अपनी। अब उसका आया 3, तो वो उसे 3 पे रखेगा या फिर 2 और 1 पे रखेगा, वो कैसे उसकी मर्जी है। तो उसने 3 पे रख ली, तो ऐसे ही ये गेम चलता रहेगा। दोस्तों अब प्लेयर का 6 आ गया है, तो 6 उसने यहाँ भी भर दिया और यहाँ भी भर दिया, तो अब उसे वो तोड़ के रखना पड़ेगा। तो तोड़ के वो कैसे रख सकता है, या तो 5 और 1 पे रख सकता है अपनी गोटी को, या फिर वो 4 और 2 पे रख सकता है। तो ये उसकी मर्जी है उसको कैसे रखना है, लेकिन इसको करने के चक्कर में उसकी अब 2 गोटी चली जाएंगी और उसे रखना ही पड़ेगा। प्लेयर का लास्ट 7, तो इस तरीके से प्लेयर ने अपनी सारी गोटी रख दी है। अब जो हमें काउंट कर लेना है जिन पे उसकी गोटी नहीं है, वो 4 और 2, 6 और 8 और 6, 14, 14 और 11, 25, 25 और 12, 37, 37 और 12, 49, 49 और 11, 60, 60 और 8, 68, 68 और 7, 75, 75 और 5, 80, 80 और 3, 83 और 1, 84। तो ब्लू प्लेयर के जो अनकवर्ड बॉक्स रह गए हैं वो 84 रह गए हैं। तो यदि रेड प्लेयर का स्कोर इससे ज़्यादा हो जाता है, मतलब 84 से ज़्यादा अगर उसके अनकवर्ड रह जाएंगे तो रेड प्लेयर हार जाएगा, और यदि उसके 84 से कम रहते हैं तो रेड प्लेयर जीत जाएगा। तो अब देखते हैं हम जल्दी जल्दी से इसको। तो अभी ये ब्लू प्लेयर की हम सारी गोटियाँ हटा देते हैं, और अब बारी है रेड प्लेयर की। तो देखते हैं उसका कितना स्कोर होता है। तो इसको हम 7 पे भर देते हैं और इसको हम 2 पे भर देते हैं। तो अब हम बाकी अनकवर्ड बॉक्स गिन लेते हैं। तो रेड प्लेयर का जो अनकवर्ड स्कोर है वो 89 है। इस गेम को रेड प्लेयर हार गया है क्योंकि उसका स्कोर ज्यादा हो गया है अनकवर्ड बॉक्स का। दोस्तों कैसा लगा आपको गेम? यदि गेम आया पसंद तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपको हमारे वीडियो इसी तरीके से पसंद आते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।